Hello everyone, welcoming you all in today's online session for Accountancy Standard 12th, Chapter Number 5, Admission of a Partner. Myself, Abhijit Das. Till now we have solved up to question number 17. As I have told you in the previous lecture itself, that you got to practice the sums from question number 16 on daily basis. 16, 17 again today you will practice along with question number 18. Which we are going to solve just now. All the sums, all the last five sums are very much important for board examination. So number 18, Jenny and Annie are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The balance sheet of their firm as on 31/3/16 was as under: capital accounts, general reserve, investment reserve, workmen profit sharing fund, creditors are given on liability side. On asset side, building, machine, investment, debtors minus BD and bank balance is given. Okay. They admitted Priyanka as a partner on 1/4/16 on the following terms. Number 1. Priyanka will bring 14,000 as goodwill in cash. So first of all, we got to find the sacrificing ratio. Old ratio is given 3:2. New ratio is given 2:2:1. So Jenny, old ratio 3/5 minus new ratio 2/5. So 1/5. Ananya, old ratio 2/5, new ratio bhi 2/5. So 0 ho gaya. Matlab pura amount of goodwill jo hai, वो जाएगा जैनी के पास. ओके तो एंट्री पास करें कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल. दो लाइन छोड़ने के बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000. दूसरी एंट्री पास कर दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जैनी के अंदर 14,000. Number 2, Priyanka will bring her capital equal to 20% of new total capital of the Jenny Ananya. Priyanka यहाँ पर यह बोलती है जो Jenny Ananya का जो capital होगा, मतलब new capital, मतलब balance carried down जो हमको last में मिलता है, उसका वो 20% लेके आने को ready है. वो तो amount last में मिलेगा, तो ये amount last में लेके आएगी in short. Next, new profit loss sharing ratio to be kept at 2:2:1. ये तो हमने already use कर लिया in finding sacrificing ratio. फिर बी डी आर की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो मुझे प्रॉफिट हो गया. राइट डाउन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बी डी आर 2800. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बी डी आर 2800. असेट साइड डेटर्स आउट ऑफ कॉलम 56,000. असेट साइड डेटर्स आउट ऑफ कॉलम 56,000. नंबर 5, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%. मशीन की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई तो लॉस हुआ. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी 1750. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी 1750. असेट साइड मशीनरी 15750. 17,500 में से 1750 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट इज 15750. नंबर 6, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रुपीज 30,000. बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 30,000. ओके सो सॉरी 70,000. बिल्डिंग आपको दिया 42,000, अब हो गए इसकी वैल्यू यहाँ पे 70,000. सो 28,000 का प्रॉफिट हुआ. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 28,000. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 28,000. असेट साइड बिल्डिंग 70,000. असेट साइड बिल्डिंग 70,000. नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 68,950. इन्वेस्टमेंट आपको देखे रखा 63,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 68,950, मतलब बढ़ गया, फ़ायदा हुआ मुझे यहाँ पे. कितने का फ़ायदा हुआ? 5950 का फ़ायदा हुआ. 5950 का मुझे फ़ायदा हुआ. राइट डाउन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट. रीवैल्यूएशन ऑन क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 5950. असेट साइड इन्वेस्टमेंट 68,950. असेट साइड इन्वेस्टमेंट्स 68,950. ओके नेक्स्ट वन. Total capital of the old partners Jenny and Ananya after all the adjustment will be maintained in the relative new ratio. ठीक है, एक और पॉइंट आ गया.
फॉर दिस पर्पज़ नए से एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू बैंक अकाउंट. ओके कर लेंगे बाद में, पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं. कैपिटल ट्रांसफ़र करो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर. जैनी में 70,000, अनन्या में 56,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जैनी में 70,000, अनन्या में 56,000. जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दो वहीं पे क्रेडिट साइड पर. बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो जैनी में 5040, अनन्या में 3360. जैनी में 5040, अनन्या में 3360. फिर वहीं पे बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे फ़ायदा हुआ तो रिजर्व कुछ काम का नहीं आया, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 4200 को मुझे बांटना है 3:2 में 2520 1680, 2520 1680. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड सीधा लायबिलिटीज में 31,500. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटीज में 31,500. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में 44,800. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में 44,800. बिल्डिंग हो चुका है, मशीनरी हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डेटर्स हो चुका है. बैंक कैश बैंक के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैंक के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,200. डन. चलो अब क्लोज करते हैं. हमने पॉइंट नंबर सेकेंड एंड लास्ट वाला पॉइंट हमने छोड़ा हुआ है, वो कैसे करना है हम देखते हैं. पहले इसको क्लोज कर लेते हैं. ओके रिवैल्यूएशन को आप क्लोज करो. क्रेडिट साइड आपको अमाउंट मिलेगी टोटल 36,750. क्रेडिट ज़्यादा है, टोटल 36,750. उसमें से डेबिट में आपको दिख रहा है ओनली वन फिगर, दैट इज़ 1750. तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 35,000. लिखो डेबिट साइड पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैनी 21,000. इनर कॉलम में लिखना जैनी 21,000, अनन्या 14,000, आउटर कॉलम में 35,000, आउटर कॉलम में 35,000. ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर. बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट जैनी में 21,000, अनन्या में 14,000. अब मैं पॉइंट नंबर टू पढ़ता हूँ. पॉइंट नंबर टू में ऐसा बोला गया है प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जैनी अनन्या. प्रियंका ऐसा बोलती है कि जो जैनी अनन्या का जो कैपिटल होगा ना, जो बैलेंस कैटाउंट का अमाउंट आएगा ना, उसका मैं 20% लेके आने को रेडी हूँ. ठीक है, अभी पहले बैलेंस कैटाउंट का अमाउंट फाइन करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट कि फाइन करते हैं, लिखेंगे नहीं, पहले फाइन करते हैं. ठीक है, सो आप अगर जैनी को प्लस करोगे क्रेडिट साइड, उसमें आपकी अमाउंट दिख रही होगी आपको 70,000, 55,040, 2,520, 21,000 and 14,000. तो जैनी का टोटल आपको दिख रहा होगा 1,12,560. लिखना नहीं है अभी. जैनी में डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है. अनन्या का देखे तो 56,000 प्लस 3,360 प्लस 1,680 प्लस 14,000. ओके इसको प्लस किया तो अमाउंट आया 75,040. ये हो गया दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट. ये हो गया दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट हो गया ये वाला. इसको अगर प्लस करते हैं 1,12,560 प्लस 75,040 दोनों को प्लस करते हैं तो हमें टोटल मिलता है 1,87,600. टोटल मिलता है 1,87,600. ओके इसका 20% प्रियंका लेके आने को रेडी है. तो इसका अगर हम 20% निकालते हैं 1,87,600 का 20%, दैट इज 37,520 आता है.
37,520 आता है जो अमाउंट ये लेके आने को रेडी है। ओके, आप कैलकुलेशन करके देख लेना वर्किंग नोट के अंदर, वर्किंग कर लेना। ओके, वर्किंग में आपको ये सब दिखाना है कि जैनी का बैलेंस इतना बचता है, 112,560 बचता है, अनन्या का 75,040 बचता है, टोटल करने का 187,600। इसका 20% निकाल के लिख देना है आपको ऐसे कि प्रियंका कैपिटल विल बी रुपीज़ 37,520। ओके, चलो कैपिटल का अमाउंट मुझे मिल गया। पहले सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिख दो कैश के डेबिट साइड में टू प्रियंकास कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर टू प्रियंकास कैपिटल 37,520। ठीक है, उसके बाद लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश बैंक ब्रैकेट में कैपिटल प्रियंका में लिख दो 37,520। प्रियंका का कैपिटल मुझे मिल गया इन शॉर्ट। ठीक है, अब नंबर्स 8 पे आता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ ओल पार्टनर, जैसे जैनी अनन्या ऐसा बोलती है कि एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद हम दोनों है ना अपना कैपिटल न्यू रेशियो पे रखेंगे। न्यू रेशियो मतलब क्या है, 2:2 इन दोनों का है। तो इनका जो बैलेंस का अमाउंट आया था वो कितना आया था, 112,560 और 75,040। टोटल कितना था, 187,600 था। ये बोलते हैं ये अमाउंट का हम दोनों इक्वली रखेंगे, मतलब 2:2 मतलब इक्वल हो गया, इक्वल पे रखेंगे। तो इसको डिवाइड बाय 2 करो, आपको अमाउंट मिलेगा 93,800। डिवाइड बाय 2 करोगे अमाउंट मिलेगा आपको 93,800। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है आराम से सुनो, आराम से लिखो। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे 3 लाइन छोड़ने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर 3 लाइन छोड़ने के बाद लिखे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जेनी अनन्या में लिख दो 93,800। दोनों में लिख दो 93,800। ठीक है, प्रियंका को क्लोज कर दो, टोटल कर दो प्रियंका को। क्रेडिट साइड उसकी अमाउंट है 37,520। डेबिट पे भी लिख दो 37,520 और बैलेंस कैरी डाउन के सामने भी इसमें लिख दो 37,520। इन शॉर्ट आप बोलो तो तीनों दिन क्लोज हो गए। बैलेंस कैरी डाउन को तीनों दिन का मिल गया, जैनी का 93,800, अनन्या का 93,800 और प्रियंका का 37,520। इसको उठा के लिख दो सीधा कैपिटल लायबिलिटीज में ऐसे कैपिटल। चलो क्लोज कर देते हैं, इसको उठा के लिख दो लायबिलिटीज में ऐसे कैपिटल। जैनी 93,800, अनन्या 93,800, प्रियंका 37,520, टोटल 2,25,120, 225,120। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में जो बोला है मैं वापस एक बार पढ़ता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ द ओल पार्टनर दैट इज जेनी अनन्या आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी मेंटेन इन द रिलेटिव न्यू रेशियो, जो कि मैं न्यू रेशियो मैंने उसको डाल दिया है। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट जो भी करने हो मुझे बैंक से करने हैं। ठीक है, अब आप अगर देखिए तो जैनी का क्रेडिट ज़्यादा था 112,560, टोटल लिख दो आप जैनी में क्रेडिट साइड पे 112,560, दोनों तरफ लिख दो टोटल जैनी में, हाँ 112,560 दोनों तरफ टोटल लिख दो। अब उसमें से बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट माइनस करो जैनी का 93,800 माइनस करो, देखो अमाउंट बचेगा 18,760। बैलेंस अमाउंट आया 18,760। आपने जहां बैलेंस कैरी डाउन लिखा है ना इसके इमीडिएट ऊपर आप लिख दो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 18,760। जैनी क्लोज टैली हो गए, जैनी बैंक लिख के बोला ना बैंक से एडजस्टमेंट करना है, टू बैंक 18,760 लिख दिया। इसकी दूसरी एंट्री पास कर दो कैश बैंक में क्रेडिट साइड पर बाय जैनीज कैपिटल, बाय जैनीज कैपिटल 18,760। जैनी खत्म। ठीक है, अनन्या की बारी। अनन्या का डेबिट ज़्यादा है अब, बिकॉज अनन्या का टोटल 75,040 था, अब डेबिट में आप देखो तो 93,800 है, तो लिख दो दोनों तरफ टोटल 93,800। अनन्या में दोनों तरफ
टोटल 93,800 93,800 दोनों तरफ। उसमें से क्रेडिट के फिगर आप अगर माइनस करोगे दैट इज 75,040 था टोटल जो आपको याद है अभी भी। ओके तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 18,760। तो लिख दो यहाँ पे बाय बैंक क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अनन्या में 18,760। दूसरे एंट्री पास कर दे कैश बैंक में डेबिट साइड पर टू अनन्यास कैपिटल 18,760। इसका मतलब ये हुआ कि जैनी पैसा विड्रॉ करके लेके गई, अनन्या और भी पैसा लेके आई ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब क्लोज करो बैंक अकाउंट को। बैंक को आप प्लस करोगे, कैश बैंक को आप प्लस करोगे, डेबिट साइड आपका टोटल आएगा 1,09,480। आप एक बार चेक कर लेना, डेबिट की अमाउंट है 39,200, प्रीमियम फॉर गुडविल है 14,000, अनन्यास कैपिटल है 18,760 और प्रियंका कैपिटल है 37,520। टोटल विल बी 1,09,480। सेम टोटल क्रेडिट में भी लिख दो 1,09,480। उसमें से माइनस करो 18,760। यू विल गेट अ बैलेंस अमाउंट ऑफ 90,720 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,720। ओके अब इसको ट्रांसफर कर दो एसेट्स में कैश बैंक लिख के 90,720। टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी 3,01,420। टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी 3,01,420। ओके आई विल नॉट चेंज द फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर सम्स बिकॉज आपको यही सम वर्ड टू वर्ड वापस से रिपीट यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 जितनी बार करो उतना अच्छा है आप लोग के लिए। एडजस्टमेंट्स आपको समझना है कैसे क्लोजिंग कर रहा हूँ, आपको वापस से सुनना है, समझना है, ट्राई करना है तो ही पॉसिबल होगा बेटा आपको सॉल्व यहाँ पे करना। सो आई होप सो आप भी समझ रहे हो कि सम यहाँ पे किस तरीके से करना पड़ेगा। आप इसी सम की प्रैक्टिस अगर बार बार करते रहोगे तो ही पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे आ जाए। ओके सो विद दिस आई एंड माय टुडे सेशन। ओके इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 लेट मी सी, यस कैपिटल अकाउंट इज ओनली गिवन, तो आपको चारों चार अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके सो टिल दैट टाइम कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है आप लोग के लिए। ओके टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल वंस अगेन।